अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर नसीम। प्रोग्राम में अपने बात करते हैं कुछ अवामी नोयत के मामलात और मसाइल पर, और कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए। ये अवामी मामलात क्या है? ये यकीनन कोई IMF से कर्ज़ का हुसूल या इस तरह के मामलात नहीं है। आम आदमी का मसला सिर्फ ये है कि पीने का साफ पानी उसको मिले, बिजली की उसको बिला तातुल फरहमी हो, और कीमतें किसी जगह पर हों जो उसकी दस्तरस में हो, अशिया खुर्दनोश की या बिजली की या किसी भी हवाले से। ये कुल उसकी सियासत भी है, यही कुल उसकी मईशत भी है, यही कुल उसके मसाइल भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ममलिकत खुदादाद में कोई एक चीज़ भी एक आम आदमी को मैसर नहीं है जितनों का भी अभी नाम लिया गया। अब शहर कराची की मिसाल लीजिए, बेपना गर्मी इस वक्त शहर में है, हब्स है, घुटन का एक माहौल है मौसम की वजह से जो ज़्यादा पैदा हुई है। वैसे भी घुटन ही रहती है हालात की वजह से, लेकिन मौसम की वजह से घुटन में बेपना इजाफा हुआ है। और बिजली की जो तकसीम कार कंपनी शहर के ऊपर मुसल्लत की गई है, 8 से लेके 12, कहीं 14 और कहीं अल्हम्दुलिल्लाह 18 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला शहर के अंदर जारी है। मुख्तलिफ मकामात के ऊपर छोटे बड़े तमाम ही इलाकों से खबरें मौसूल होती हैं, सुबह से लेके शाम तक यही सिलसिला जारी रहता है। और पानी की किल्लत साल हर साल मौजूद है, साल हर साल से, और इसमें बेपनाह इजाफा हुआ है। और अब खुदा का शुक्र है कि नए मेयर का इंतखाब हो चुका है, लेकिन उनसे भी किसी को कोई उम्मीद नहीं है। तो इस वक्त जो मैं काम देख रहा हूँ आजकल, तो फील्ड में थोड़े से ज़्यादा हरकत में नज़र आ रहे हैं, लेकिन बड़ी अजीब बात है, सुबह से लेकर शाम तक ट्विटर के ऊपर तस्वीरें और वीडियोज़ जो है वो डालते हैं, लेकिन काम जूं का तूं है, बल्कि मसाइल में और मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। अब सवाल यूँ नहीं किया जा सकता कि अगर पूछेंगे कि ये सारे मामलात क्यों अभी तक हल नहीं हुए, तो कहेंगे अभी जो चार्ज संभाला है, अभी तो मामलात को समझ रहे हैं, और ना जाने कितनी ऐसी बातें हैं जो की जाएंगी। यकीन है तो बहरहाल सवाल करना बड़े बेमानी सी एक बात है। ज़ाहिर है 15-15.5 साल से ज़्यादा हुकूमत जो है वो इस सूबे में हो चुकी है, जमात उन्हीं की है, और बाकी मानदा जो काम है वो आपके सामने हैं। शहर की इस वक्त हालत है, बड़ी मुश्किल से चंद लम्हे की बारिश यहाँ पर हुई है, और वो हाल इस वक्त शहर का है कि जो बयान नहीं किया जा सकता। जो पहले से खंदकें मौजूद थीं, क्योंकि बात तो अल्हम्दुलिल्लाह अब गढ़ों से बहुत आगे चली गई है, अब तो सड़क के ऊपर बाकायदा आपको खंदकें खुदी हुई नज़र आती हैं, जिनमें से एक दफ़ा गाड़ी नीचे चली जाए तो वापस आना फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो ये इस वक्त शहर की सूरत हाल है, और उनमें से भी आधे से ज़्यादा जो खंदकें हैं उसमें पानी जो है वो भर चुका है। तो ये शहर की इस वक्त अमूमी सूरत हाल है। और बाकी मंदा मसाइल इतने सारे हैं कि अगर उनका तस्करा इब्तदाइया में करने लगूंगा तो शायद प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बात करना बेहद ज़रूरी है। और उसके साथ जो दीगर मसाइल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल की फहरिस्त इतनी है कि ऐसे प्रोग्राम हम सदियों तक कर सकते हैं मसाइल के ऊपर, ख़ासतौर पर शहर कराची के। तो इसके लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ जनाब सिंध हुकूमत का कि उन्होंने यहाँ मसाइल का माशाल्लाह इतना अंबार लगा दिया है कि हमारे पास प्रोग्राम करने के लिए जो है वो मवाद ही मवाद है। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगा, शामिल गुफ्तगू करूँगा, और शायद इसी बात से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। पहले हमारे मौजूद मेहमान अनवर खुर्शीद साहब, उनको आप हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते हैं, हम सुबह के वक्त उन्हें यहाँ पर मदऊ करते हैं और मुल्की हालात पर गुफ्तगू करते हैं। अनवर खुर्शीद साहब को मैं खुश आमदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया जनाब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दूसरे जो मौजूद मेहमान हैं अख्तर आरानी साहब, उन्हें भी आप देखते हैं हमारे साथ प्रोग्राम में मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू करते हैं, तज़िया करते हैं तालीम के हवाले से, ख़ास तौर पर जो उनसे बात होती है, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के सिम के सदर भी हैं, और उसके साथ साथ मुल्क हालात पर भी गुफ्तगू कर लेंगे जनाब अख्तर आरानी साहब से। तो उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया अख्तर भाई आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, बड़ी मेहरबानी दोनों मौजूद मेहमानों की, सुबह के वक्त तशरीफ लाए इन मुश्किल हालात में भी, और आज यहाँ पर उनसे गुफ्तगू होगी मुल्क की सूरत हाल के ऊपर। अनवर भाई फरमाइए, मज़ीद इसके अंदर क्या इजाफा किया जा सकता है? मसाइल आपका भी ताल्लुक़ इसी शहर से, हमारा भी ताल्लुक़ इसी शहर से,
और वो कहता है शायर होता है तमाशा शब रोज़ मेरे आगे कुछ है ऐसा, तो वो तमाशा हमारे सामने जारी है। मज़ीद इसकी उम्र कुछ इजाफा करना चाहें तो बिस्मिल्लाह ज़रूर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर साहब, देखें, अगर मसाइल की बात की जाए ना, और शहर और मसाइल या आवाम और मसाइल, उनकी बात की जाए, तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में जितने भी शहर हैं, जितने भी टाउन हैं, जितने भी गांव, देहात, गोट, नीचे लेवल तक और बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, अगर आप टोक्यो का नाम लें जापान में और न्यूयॉर्क की बात करें, और जो बड़े शंघाई की बात करें, या बड़े शहर हैं जो जी दुनिया के, जी उनकी बात करें और कराची को भी उसके साथ शामिल करें, कि शायद दुनिया का ये वाहिद शहर है कि जिसमें सबसे ज़्यादा समाजी मसाइल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम कहते हैं ना लोग कि हम बड़े वो खुशकिस्मत है कि हमारे पास तमाम वसाइल मौजूद हैं, कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर दुनिया के तमाम वसाइल वसाइल मौजूद मौजूद हैं, हैं, और कराची शहर में दुनिया जहान के तमाम मसाइल वसाइल मौजूद मौजूद हैं। हैं। वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात कही तो है अब बात यहाँ तक जाके पहुँच गई है कि कहाँ से शुरू करें, जी। कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें मसला ना हो, और ये एक किस्म के वो गुंजल पड़ गए हैं, और सिरा मिल नहीं रहा, और सिरा ढूंढने वाले जो हैं ढूंढ ही नहीं रहे। पहले तो अगर वो ढूंढें भी तो वो हैं स्टेक होल्डर्स, और इस चीज़ के जो स्टेक होल्डर्स हैं बेसिकली जो है ना पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ऊपर से ले के नीचे तक, और फिर उसके साथ उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, ये सारे लोग उसके स्टेक होल्डर्स हैं कि जिन्होंने सिरा ढूंढना है जी और इसको सही तरह उस डोर को सुलझा कर, उलझी हुई को सुलझा कर एक सीधी जगह पे लाना है। कोशिश करनी है पहले, पहले उस कोशिश पहले करें। कोशिश सुलझाने की नहीं, पहले सिरा ढूंढने की कोशिश कोशिश करनी है, करें। और सिरा ढूंढने की कोशिश ही नहीं की जा रही। सिर्फ ये किया जा रहा है कि कौन मेयर होगा, कौन वज़ीर आला होगा, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन कौन किस ओहदे पे होगा। ऐसा ही है। अगर इस वक्त जो पिछले दिनों में हमारा कराची शहर का अपना बलदियाती इलेक्शन हुए हैं, इस बलदियाती जो इंतखाबात थे, इसमें दौड़ सिर्फ चेयरमैनशिप की थी और काउंसलरशिप की थी, और उसके बाद अगली दौड़ मेयर की थी। देखिए, मेयर बनने के लिए कराची में जितनी तो जोड़ तोड़ और कितना यानी कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पता नहीं क्या कुछ किया गया, अगर ये इतनी से जितनी जितनी स्ट्रगल और जितनी कोशिश और जितना इन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप ने जोर लगाया है मेयरशिप के लिए, जिसने भी सारे दोनों पार्टियों ने ज़्यादा जोर लगाया, जिसमें जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, इनका ज़्यादा जोर था के मेयरशिप के लिए। तो अगर यही वाली इतना जोर, इसमें से थोड़ा सा भी जोर इस सरे को ढूंढने के लिए उलझे उलझे हुए चीज़ों को लगा देते, क्या तो अच्छी वो बात इनके लिए बहुत बेहतर था। तो लिहाजा अभी मुर्तजा वहाब साहब आए हैं, हम देख रहे हैं मीना तो तकरीबन होने वाला है, है। तो अभी तक कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई कि हमें पता चले, कोई सामने कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स सामने नहीं आए। तो अभी देखें, टाइम लगता है इन चीज़ों में, मैं यही नहीं कहता कि कल वो बने हैं तो आज प्रोजेक्ट्स तो सामने आ जाए ना, कोई मेगा मेगा प्रोजेक्ट्स आ प्लान जाएं, सामने आ या जाए कि नहीं क्या है, करना है। अगर इनके पास कोई भी आगे प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, नहीं रख सकते, तो जो RDD जैसे K4 और इस किस्म के लियारी नदी एक्सप्रेसवे, वो दूसरा ये मलीर नदी जी एक्सप्रेसवे, इन चीज़ों के ऊपर तो ज़रा देखें ना कि जो काम 6 महीने, साल, 2 साल का है, वो 10 10 साल, 12 12 साल पे क्यों जा रहा है। इसी को थोड़ा बेहतर कर लें, और जो हमारी ये मेट्रो वाली वो जो थी एमेजना रोड पे आगे जी जाने जी का सिलसिला, तो उसका क्या बनना, उसको सही कर लें। बाकी जो यूनिवर्सिटी रोड का आई है जी। सिलसिला है, और जो मलीर कैंट के बाहर वाला जो मेट्रो है, यानी कि RAD लोगों RAD जितनी सड़कें हैं और जितनी गाड़ियां हैं,
अब गाड़ियां मजीद बढ़ जाएंगी, सड़कें छोटी होती जा रही हैं, इन चीज़ों को कम अज़ कम ये लोग देखें। और अब मसाइल मेरे ख्याल से और भी बहुत से हैं, तो आगे दूसरे मेहमान को भी हमें थोड़ा मौका देना चाहिए, उधर दे देते हैं। ठीक है जी, अक्सर भाई फरमाइएगा। समाजी नौयत के मामला और मसाइल पर गुफ्तगू होती है, सबका वक्त है, लोग चाहते भी हैं। और पहले कभी ये होता था लोग अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते थे, अब तो लोग चाहते हैं कोई इस तरह की बात करें, कुछ उनके दिल की आवाज़ जो है कोई बने, कोई इस तरह के मामलों पर गुफ्तगू कर ली जाए, तालीम के हवाले से ही बात कर ली जाए। तो जहाँ पर चलने के लिए सड़क ना हो वहाँ पर बड़ा मुश्किल है ये सोचना कि स्कूल बनेंगे, बच्चों को तालीम मिलेगी और उस पर मियारी तालीम मिलेगी, दीवाने का ख्वाब एक बनकर रह गया। फरमाइएगा क्या कहना चाहेंगे जी। जी बिल्कुल, बल्कि मैं सर की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा। बड़ा खूब उन्होंने वसाइल और मसाइल की बात की और यकीनन 100% ऐसे ही है। बात यह है कि ये गुत्थी सुलझाना नहीं चाहते, सही है, ठीक है। मेगा प्रोजेक्ट तो दूर की बात है, ये छोटे छोटे मसाइल हल नहीं करना चाहते। और उस वक्त वो सिरा ढूंढना होता है, उस वक्त ये आंखें बंद कर लेते हैं। मैं सर की बात से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस वक्त ये आंखें बंद कर लेते हैं। बाकी इनको जब सीट से एडजस्टमेंट करनी है, मामलात करने हैं, वो सारे हो जाते हैं इनसे। अब देखें ना, अभी मौलाना साहब सही नाराज है ना इनसे, सियासी तनाजुर में देखें जो आजकल की सूरत हाल है कि जी दो पार्टी बैठ के दुबई में सारा सेटअप करके आ गई हैं, और पहले मुझे ताज पहना दिया पीडीएम का, अब मुझे जो है मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। तो बहुत सी मामलात हैं यहाँ, उसके लिए बड़ी इनके पास एक्सपर्टीज है, तमाम लोगों के पास एक्सपर्टीज। एक सिंध की बात ना करें, मसाइल तो पूरे पाकिस्तान के मसाइल है, सिर्फ कराची के नहीं है। तो है। ये लोग करना नहीं चाहते, विल नहीं है। विल तो आगे की बात है, विल मतलब नियति नहीं है, ये तो जानबूझ के मसाइल की दलदल में फंसा के रखना चाहते हैं। एक छोटी सी चीज इसमें इजाफा करूंगा, आपने कहा मसाइल सबके एक जैसे, बस पूरे पाकिस्तान में फर्क ये कि सड़क के बीच में कहीं कहीं गड़ा आ जाता है, और शहर कराची में गड़े के बीच में कहीं कहीं सड़क आ जाती है, जारी रहती है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है कि कभी कभार फील होता है कि ये पैचवर्क हो गया है, तो चलो जी ठीक है। मैंने खुद देखा है यहाँ पर एक सड़क मुझे नजर आई है। जी बहुत सी सड़कें हैं, मकसद ये है कि आप दोनों तनाजुर में जिस तरफ आपका इशारा है वो भी इसमें जूम इन ही अल्फाज हैं, इससे बहुत बातें समझ में आती हैं। आवाम तो खैर समझती है जो इन गढ़ों में से दो चार होती हैं और सब मसाइल है। जहाँ तक अभी K4 की बात है, देखिए होना चाहिए था, बहुत से प्रोजेक्ट हैं, वो आवाम को एक लाल बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है, एक बहुत सुहाना ख्वाब दिखाया जाता है। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब कोई भी दे दे कि आपने गरीब तरीन एरियाज के अंदर तो बड़े मसाइल हैं, आपने पानी DHA के अंदर आपने क्यों नहीं लाइनें बिछाई, क्यों टैंकर का निज़ाम है कि जिस दिन चाहें ठीक है उनको भी नत डाल सकते हैं, और यही टैंकर बंद कर दें तो पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देखिए कहते हैं ना पानी की जंग होगी, कहते हैं ना ये होगा वो होगा फ्यूचर का, ये जानबूझ के अमीर एलीट क्लास को छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ मौजूद है, ठीक है ठीक है, मगर जो वैसे अपर क्लास है उनको, उनके लिए भी मसाइल हैं। कारोबार के करने में वो भत्ते देते हैं, वो कौन सा काम है जो वो सही तरीके से बगैर किसी चीज के कर लेते हैं, ठीक है। और जो आमुन्नास से बेचारी पॉवर्टी लाइन से नीचे, उनके लिए तो सिसक सिसक के गंदा पानी मिल जाए पीने के लिए, और वो उनको कोई बासी यानी कि खराब आटा ही मिल जाए खाने के लिए। तो यहाँ नीयत ही नहीं है, नीयत नहीं है, विल तो दूर की बात है, करना नहीं चाहते और उनके रुकावटें पैदा करना चाहते हैं। वो गड़े रहेंगे तो ये फिर आवाम का मिजाज ऐसा बन गया है कि जिस दिन रोड बन गया उस दिन यहाँ रेसें लगेंगी। यानी फिर ये है अख्तर भाई, मैं वो एक वजीर साहब से मेरी बात हुई, मैंने कहा आपने शहर में और दही इलाकों में खासतौर पर दही इलाके के जो लोग हैं उनकी महरूमियों को ख़त्म करने के लिए क्या किया। उन्होंने कहा बाबा अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया है, शहरी इलाकों को दही इलाकों में तब्दील कर दिया ताकि अब दही इलाके के लोग जो हैं उनको कोई गिला ना रहे। तब अल्हम्दुलिल्लाह ना देहात में बिजली होती है, पानी होती है, गैस होती है, अब शहर में भी वो नहीं है, तो अब दही इलाकों के रहने वाले लोग अब इस चीज़ से हो गए। और जहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह सड़क की बात है तो पहले भी नहीं थी हमने और उसको खत्म कर दिया, और तो वहाँ फिर भी हवा तो होती है। हाँ, यहाँ तो डब्बों में रहने वाले या अपार्टमेंट्स में रहने वाले अगर लाइट चली जाए तो बेचारों का सांस ऑक्सीजन लेना जो है वो जो एक स्क्वायर फुट के हिसाब से एक लिविंग बींग को रहना चाहिए, जहाँ ताजा हवा जो
खुली फिजा में होना चाहिए, वो भी मुयसर नहीं है। तो इसकी जिम्मेदार जो है वो पॉलिसी मेकर्स हैं, हुक्मरान हैं। ये सिर्फ दिखावे के लिए अगर थोड़ा बहुत कर देते हैं तो वो नहीं होता। अभी मेयर कराची की अगर बात करें, गुड मॉर्निंग कराची के लिए ख़ास तौर पर ये आपने प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ है कि कराची के अंदर मेयर साहब जो है ना, कोई 100 डेज का प्रोग्राम दे दें, कोई छोटे छोटे प्रोजेक्ट बता दें कि जी मैं ये छोटे छोटे मसाइल हल करूँगा, आइंदा आपको कचरा नज़र नहीं आएगा, आइंदा पानी 24 घंटे में से 2 घंटे ज़रूर आएगा मगर ठीक आएगा, प्रेशर से आएगा, लाइट नहीं जाएगी, ये नहीं होगा, कुछ तो आप करके दिखाइए। सवाए सिर्फ सोशल मीडिया के या किसी ट्यूटर के ऊपर आपने से ट्यूट कर देने से, आप पिक्चर सेशन काट के, रिबिन काट के, टेंट लगा के ये इफ्तिता हो गया, उसके बाद टेंट उठा लो, सारी चीज़ें छुपा दो, बस ख़त्म। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला कि जी आप हमें जो है गाफिल रखें और आप कुछ ना करें, तो ऐसा नहीं होता। चाहिए सिंध की बात करें, कराची की बात करें या पूरे पाकिस्तान की बात करें, मैं आवाम की बात भी कर रहा था कि हम भी जो है ना होश के नाखून लें, हमें भी गंद नहीं फैलाना चाहिए, हमें भी ख्याल करना चाहिए, हमें भी अपने वसाइल की कदर करनी चाहिए। हमारे यहाँ खुद हमारा मिजाज अवामी ऐसा बन गया है कि हम अपने वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं करते। इवन अगर आप देखें, आज भी बहुत से घरों में इतने ज़्यादा बिल आने के बावजूद फजूल में लाइट जल रही होती है, फजूल में जो है चीज़ें चल रही होती हैं, यानी कि मिसयूज़ हो रहा होता है हमारे वसाइल का। खाना है तो खाना ज़ाया हो रहा होता है, फूड सिक्योरिटी कहाँ से होगी? तो ये हमें इनफरादी ज़िम्मेदारी भी है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इनफरादी ज़िम्मेदारी है। जैसे कि मैं हमेशा कहता भी हूँ, क्योंकि हमने एक छोटा इदारा बनाया हुआ है जो अपने लेवल पे काम करता है, किसी डोनर एजेंसी से डोनेशन नहीं लेता है, तो हम ये कहते हैं ह्यूमन राइट्स की बात तो हम करते हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं कि हम आंखें खोलना चाहते हैं कि अगर आपको अपने हक का पता है तो आपको अपनी जिम्मेदारी का पता होना जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप चाहते हैं कि हमारी गली साफ सुथरी हो तो क्या आप गली अपना जो कचरा है क्या आप गली में फेंकते हैं? क्या आप गली अपने हिस्से का काम करते हैं? यानी कि रास्ते का पत्थर उठाने की मैं बात करता हूँ कि वो भी आप पे रही है, वो हुक्मरानों पर नहीं है। बिल्कुल ऐसा। आप किसी स्वीपर के ऊपर नहीं है। आप जो है जो वेस्ट होता है उसके अंदर ड्राई वेस्ट का कैसे उसको करना है, रिसाइकल होने वाली चीज़ों को कैसे आपने करना है, और जो वेट या किचन की चीज़ें होती है उसको कैसे करना, आप सब मिक्स करके फेंक देते हैं। तो बड़ी मुश्किल, यानी कि जब हम हमें अपनी जिम्मेदारियों का पता नहीं है, तो हम हकूक तो मांगते हैं मगर हमें ये नहीं पता कि मैं इनफरादी तौर पर क्या कर सकता। आपने बिल्कुल सही कहा, इस मामले में तो बिल्कुल हम वो हैं। आपने अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में से हमारा शुमार होता है जिनको ये नहीं पता सड़क पर चलना कैसे, तो ये तो बहुत दूर की बातें मालूम होती है। हमें इंफ्रादी किसी भी सड़क पे निकल जाएं, आप ट्रैफिक जैम अगर देखेंगे तो उसमें बड़ी वजह ये होती है कि कोई किसी तरफ गाड़ी रोक कर खड़ा हुआ है, कोई कहीं गाड़ी मोड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई रॉन्ग साइड आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो बुनियादी जो नॉलेज है वो भी दूर दूर तक नहीं है, तो बहुत आगे की बातें हैं जी। मैं इसमें कहना चाहता हूँ यही तालीम से, यानी कि तालीम से शऊर मिलना चाहिए। शऊर ही पैदा नहीं होगा, जब शऊर ही पैदा नहीं होगा तो शऊर जरूरी थोड़ी है कि आपने 2 किताबें पढ़ के आपके अंदर पैदा होगा। शऊर जो है आपको सेंसिबिलिटी देता है, आप खुद तजर्बा करके, तो अमली तालीम है जो अमली तौर पर आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप बड़े हो जाते हैं, आपकी एक्टिविटीज ही ऐसी होती है कि शऊर होता नहीं है। आपने बात की ना तो अल्हम्दुलिल्लाह बैठे मुस्कुरा रहे होंगे, इसमें से थोड़े ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने दरसी किताब पूरी पढ़ी होगी, दरसी किताब भी पूरी नहीं पढ़ी होगी, ब्रेक का कह दिया अनवर भाई मैं आपसे इसके ऊपर तजिया लूंगा। आप मुस्कुरा रहे हैं, यकीनन कुछ बात जो है आपको याद आई है। जनाब ब्रेक की तरफ जाना होगा और ब्रेक पे जाने के साथ ही एक बड़ा मैसेज है हमारे स्पॉन्सर्स की जानिब से, ज़ीरा प्लस की जानिब से। ज़ीरा प्लस जो है जनाब, इसमें आप तहकीक करके देख लीजिए, चाय के लिए जो बेहतरीन जोड़ है, जो बिस्किट है, वो यकीनन ज़ीरा प्लस है। हमारे लिए काम इसलिए आसान है कि हमारा अपना बड़ा फेवरेट बिस्किट है और चाय का जो टाइम होता है बड़ा ख़ास होता है। मेहमानों के साथ अभी गपशप जारी रहेगी और चाय भी क्योंकि आ चुकी है तो ज़ीरा प्लस मौजूद है, इससे बेहतरीन जोड़ नहीं है। तो ज़ीरा प्लस को, चाय को इन्जॉय करेंगे और एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले और ब्रेक के दरमियान भी कुछ तल्ख बातें होती रहीं, तल्ख
इसलिए कहूँगा क्योंकि ये बातें सच्ची हैं और सच्ची बात जब भी होती है वो यकीनन तल्ख होती है और हमारे लिए इंतहाई दुश्वार गुजार मरहला होता है सच्ची बात को सुनना। तो जनाब ये कुछ मामला थे ज़ेर बहस आए, सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाऊँगा। अनवर खुर्शीद साहब तशरीफ़ फरमा, ब्रेक पर जाने से पहले अख्तर रानी साहब मौजूद मेहमान बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, मुल्की हालात के बारे में तबसरा कर रहे थे और दरसी किताब का हवाला उन्होंने दिया या किताब का हवाला उन्होंने दिया कि किताब। तो आगे क्या जो मामला है मैं चाहूँगा आप इसके बारे में ज़रा बेहतर तबसरा कर सकते हैं। असल में देखें ये जो दरसी कुतुब होती हैं टेक्स्ट बुक जिसे कहते हैं ये कोई ऐसे नहीं रातों रात बन जाती है और जो आपने बनाया और आगे बेच दिया और वो स्टूडेंट ने ख़रीद लिया और उसके दिमाग में चला गया। ये दरसी कुतुब के ऊपर पूरे पैनल्स होते हैं, उसमें वो चीज़ें शामिल की जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अब्सोल्यूट हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, उनको निकाल दिया जाता है और नई चीज़ें लाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान की बात अगर 1971 से पहले की जाए तो किसी और तरह से की जाएगी और 1971 के बाद पाकिस्तान की बात की जाए तो किसी और तरह से की जाएगी। सेम 1947 से पहले और की जो टेक्स्ट बुक थी उसमें पाकिस्तान कहीं था ही नहीं, अगर जो हम लोग तो मौजूद थे यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में। इसी तरह जब मुल्क के अंदर ये गैस जो थी जिसे सुई गैस कहते हैं ये जब नहीं आई थी या वापडा बल्कि के इलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं, जब के इलेक्ट्रिक नहीं थी तो मुल्क बड़ा अच्छा, कराची बड़ा अच्छा चलता था। ये बात तो है, जब से के इलेक्ट्रिक आई और कराची का सत्यानाश हो गया। मेरे बुज़ुर्ग काफ़ी अरसा पहले मेरे ससुर काफ़ी अरसा पहले कराची आए थे, उनको तो शायद वफात पाए हुए 20 साल के लगभग हो गए, तो वो जब आए थे तो आके कहते हैं कि बेटा ये कराची में बम्बार्डमेंट हुई हुई है, ये कैसा शहर है, जैसे लगता है कि ये यहाँ पे तबाही मची हुई है, बम्बार्डमेंट की है किसी गैर मुल्की एयरफोर्स ने। तो हमने कहा नहीं ये कराची है ही ऐसा और ऐसा ही देख रहे हैं हम जब से आए और आज भी वैसे का वैसे ही है। वो अलहदा बात है कि जब हम ड्रोन से अच्छी कोई मूवीज़ बनाते हैं या कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं शहर को तो वो और तरह से करते हैं। अगर बाहर अच्छे तौर पर प्रोजेक्ट करना जाए तो अच्छे तौर पर, बुरे तौर पर करेंगे तो वो गंदी नालियाँ कुरंगी लांडी लियारी की दिखा देंगे। तो दरसी कुतुब की बात जो होती है कि वो पूरा पैनल होता है वो उसमें एक चीज़ बनाता है और फिर वो चीज़ें बच्चों के जहन नशीन होती हैं और वो फिर आगे उसको ले कर चलते हैं कि जी हमने पिछले 10 साल पहले 15 साल पहले उसमें ये चीज़ पढ़ी थी, इस तरह से वो चला। और वो कुतुब दरसी कुतुब पढ़ने से थोड़ा सा एक आगे ही होती है, वो थोड़ी है, वो बहुत थोड़ी है। इसके साथ अगर बच्चों को दरसी कुतुब और जो बन जाती हैं और उसके साथ जो प्रैक्टिकल लाइफ में लाया जाए फिर फ़र्क आ जाता है और थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। दरसी कुतुब में तो लिखा होगा एक मेयर होता है और पता नहीं 370 के कितने चेयरमैन होते हैं और फिर 4-4 काउंसलर होते हैं और फिर 4-4 वो दूसरे वाले काउंसलर होते हैं, फिर लेडीज़ काउंसलर होती हैं। वो तो कहेगा यार क्या चीज़ है, दरसी कुतुब में तो ये लिखा होगा, उसमें ये नहीं लिखा होगा कि कितनी नालियाँ उसने साफ करवाई, कितने सड़क खड्डे उसने बनवाए, ये चीज़ें नहीं होती। तो दरसी कुतुब की सिर्फ अगर बात हो रही है तो वो एक थोड़ा सा एक टच देने के लिए होता है, स्टूडेंट जो होते हैं थोड़ी सी बात दूसरी तरफ चलेगी, जो तालिब इल्म होते हैं उनको कुतुब के अलावा जो तरबियत होती है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उनकी तरबियत हो जाए दरसी कुतुब पढ़ लें और ज़्यादा ज़्यादा अगर जोर तरबियत पे दी जाए और दोनों को मिलाया जाए तो फिर बच्चों के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर शऊर और आगही आती है। शऊर और आगही लाने के लिए भी सारे का सारा दारोमदार जो है ना हमारे जो सातजा कराम है उन पे आता है, उनके अंदर ये जज्बा होना चाहिए। बाकी इस पे बहुत ज़्यादा बात तो अख्तर रानी साहब कर सकते हैं क्योंकि उनका डायरेक्ट इसी चीज़ के साथ ताल्लुक है, मगर मैं ये बता सकता हूँ कि बेहतर यह है कि जितना भी हमारा तदरीसी अमला है ना
उसको और उसके ऊपर जो इसको चलाने वाले हैं तमाम लेवल के स्कूलों के ऑनर से भी ऊपर चले जाएं, जो एजुकेशन के महकमे के लोग हैं, करते करते ऊपर पॉलिसी मेकर तक जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है वहाँ तक चली जाए और उनको बताया जाए कि बच्चों के अंदर शऊर और आगही कैसे आएगी, कि ये ना हो कि मोटरवे पे जाते हुए ऐसे बाहर, कल मैं देख रहा था कि आगे बच्चे ने आगे वो ऐसे कुछ किया, पर पता नहीं बच्चा था हाथ निकलवा था गाड़ी में, मेरी स्पीड भी अच्छी थी 120 पे तो जा रहा था, वो ज़रा कम था, तो मैंने कहा ये शायद वो ले रहा है कोई सेल्फी कोई बच्चा या कोई आदमी कोई सेल्फी ले रहा है, और एकदम देखा तो एक टिन था वो जो फेंका था सॉफ्ट ड्रिंक का। तो ये शऊर अगर कोई वो लोग यही समझेंगे कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, ये एक छोटा सा पॉइंट है कि इसमें शऊर और यानी कि जो जाहिलपन है इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करता है। बड़ी अच्छी बात है, उसके ऊपर पूरा प्रोग्राम हो सकता है, बैठकर मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि सभी इसमें गुनाह में शामिल हैं, गाड़ियों से हाथ बाहर निकाल निकाल कर फेंकते भी हैं और बच्चे भी फेंक रहे हो, तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि बेटा ये गलत अमल है, ये करोगे तो शहर गंदा होगा, गाड़ी के अंदर रख लो। सब मुस्कुरा रहे हैं, बैठ के दांत निकाल रहे हैं, हम भी शामिल हैं इसके अंदर, ये हमारे लोगों का कमाल है, कोई एक बंदा ऐसा नहीं है कि जो कहे कि नहीं जी मैं इसको ना। मैं जी अख्तर भाई दर्सी किताब का, वो दर्सी किताब मैंने भी पढ़ी थी, मैं इसीलिए नालायक रह गया, उसमें लिखा हुआ था कि 500 साल की गैस आपके पास है और चूना के पत्थर और ये पत्थर और वो पत्थर, मैं उलझ कर रह गया, सारी ज़िंदगी ये समझता था कि यही सब तरक्की का राज है, यही सब कुछ है, इसी से हम बड़ी कौम बनेंगे या बड़ी नेशन बन सकते हैं फलाना, वो गैस तो पता चला 70 साल में ख़त्म हो गई, ढूंढ रहे हैं कि वो गैस गई कहाँ। तो बहरहाल ये हमारी थ्योरी है, ये हमारा तरीका कार है। अभी जैसे अनवर भाई ने तस्करा किया कि पॉलिसी मेकर बड़े सोच के और देखकर ये फैसला करते हैं, तो अब लगता है बहुत ज़्यादा वाकई इसके ऊपर सोच के काम हुआ है। जी फरमाइए, क्या कहें जी। मैं दोबारा एक बार जो है सर की बात को, बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि हमारा मुल्क जो है वो वसाइल में बड़ा रिच है, चाहे सोने की काने हो, चाहे कोयले की काने हो या नमक की काने हो, सब चीज़ें मौजूद है, और इसी तरह मसाइल में भी नंबर वन है, ठीक है ना, जितना बड़ा शहर उतने बड़े मसाइल, मगर हर जगह। दूसरी तरफ जो किताबों की बात निकली, बात यह इस मुल्क में सिस्टम ये हो गया है, किताब छपी छपाई, पहले तो हमें ये नहीं पता कि दुनवी तालीम और दीनी तालीम में क्या फ़र्क है। दुनवी तालीम जो होती है वो मेमोराइजेशन का नाम नहीं है, दीन की तालीम को याद करना कहा जा सकता है कि मैंने सूरत याद कर ली, हदीस याद कर ली, मैंने फला ये कर लिया, मगर दुनवी तालीम के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन होना ज़रूरी है। अब हमारा सिस्टम ये हो गया है कि दर्सी किताब छपी, झूठी छापी, अच्छी छापी, जो भी छापी, हमें रट्टा लगवा दिया, बच्चों से सिर्फ लिखना सिखा देते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट थोड़ी सी हो जाती है, उसको देखकर बस वो आपने कापियों पे छाप दिया, फिर वो छपा, दर्सी किताब छपी, कापियों में छपा, टीचर ने छपवा दिया, फिर जनाब टेस्ट में इम्तिहान में छपा, और एग्जामिनर ने बिल्कुल छपा छपा, लिखोगे तो नंबर 4 मिल जाएंगे, अपने दिमाग से लिखोगे तो नंबर 2 मिलेंगे, तो वो जनाब पास, फिर छप जाता है सर्टिफिकेट, ठक स्टैंप लग गई A1 ग्रेड, A ग्रेड। अब वो छपा छपा सर्टिफिकेट लेके घूम रहे होते हैं, काबिलियत नाम की चीज नहीं होती, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन नहीं, दुनिया कहाँ पहुंच गई सर, अभी AI आ गई जी, जी। हमारे तालीमी इदारों में फर्क क्या है, वो जो काले रंग के बोर्ड होते थे वहां व्हाइट बोर्ड लग गए, बिल्कुल बस, वरना हमारे जमाने में अनकरीब 60 साल के होने वाले हो चुके हैं, समझ लें कि हमने भी यही काले बोर्ड देखे थे, अब ये है कि व्हाइट आ गए, बस ये क्लासरूम में तब्दीली है। क्लासरूम में टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आई, गवर्नमेंट का काम था आर्टिकल 25A के मुताबिक, मगर नहीं किया, तो क्या हम इंफरादी तौर पर नहीं कर सकते, अगर कोई करने की कोशिश भी करता है तो उसके लिए मसाइल है, ऐसा ही है। हमें अप्रिशिएट करना होगा उन इदारों को जो इस नई नस्ल को नए तरीकों से पढ़ाने की कोशिश करते थे। आज से 20 साल पहले या 23 साल पहले टेक्नोलॉजी आई, यानी IT टेक्नोलॉजी आई, अब उसकी इतनी बड़ी एडवांस स्टेज आ गई है कि अब AI रिप्लेस कर रही है जी, जी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उससे इंसान नुमा रोबोट बन रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही। अभी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ग्लोबली एक जगह पर, जहां पर जो मसूरी जहानत वाले रोबोट थे उन्होंने सहाफियों को जवाब दिए, दंग करके रख दिया है, उनके टेढ़े मेढ़े जवाब के ऐसे सवाल के ऐसे जवाब दिए कि वो हैरान हो गए कि इतने एक्सपर्ट्स ये। तो दुनिया आने वाला वक्त यह है कि AI ये गले पड़ जाएगी और हमारी ये कौम
जो रट्टा लगा रहे हैं वो छपा छापो छापो सर्टिफिकेट छाप के डिग्रियां लेके घूमते रहो, काबिलियत नाम की चीज़ नहीं है। आप अपने बच्चों को ऐसे तालीमी इदारों में भेजते हैं, अगर कोई तालीमी इदारा न्यू जनरेशन के लिए आपकी नई नस्ल के लिए नए तरीके इंट्रोड्यूस करता है और कम फीस में इंट्रोड्यूस करता है तो आप तो उस्ताद की इज्जत करो। आपको तो चाहिए कि आप, अगर आप उस्ताद की बेइज्जती करोगे, आप तालिब इल्म को रिस्पेक्ट कराना नहीं सिखाओगे तो यही बच्चे कल आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये हो रहा है जी। अब आप छोटे छोटे मामलात पे जो है तालीमी इदारों से झगड़े करते हैं, आप वहाँ ये कि दो लफ्ज़ हमारा बच्चा सीखता है, खुदारा इज्जत कीजिए, उनके पास जाइए और उनको कहिए कि आप एडवांस चीज़ें लेकर आए हमारी कम फीस के अंदर, जो 20-25 हज़ार में होता है अगर 2-4-5 हज़ार में वो कोशिश करके टेक्नोलॉजी भी ले आता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी ले आता है, तो आने वाला दौर एक रिसर्च के मुताबिक 2026 में 50% एजुकेशन दुनिया के अंदर जो है वो वर्चुअली हो जाएगी। 50% नॉट ओनली द डिग्री प्रोग्राम अभी भी हो चुके हैं 50%, मगर आने वाले सालों में जो बच्चा आज 1 क्लास में पढ़ रहा है आपका, 2 में पढ़ रहा है, 8-10 साल बाद ये मैट्रिक या इंटर करेगा 2033 में, आज 2023 है तो 2033 में आपको पता है ये AI जो है आपके गले में आ जाएगी। गले में इसलिए आ जाएगी क्योंकि आप जो जाहिल पैदा कर रहे हैं, सर्टिफाइड लेबर पैदा कर रहे हैं, यानी कि डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, स्किल है नहीं, काम है नहीं, ना वोकेशनल ट्रेनिंग है, ना कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन है, वो धिक्के खा रहा है, फिर राइडर नहीं बनेगा, डिलीवरी बॉय नहीं बनेगा, पढ़ा लिखा डिग्रियां लेके नौकरी दस्तयाब नहीं है। तो काबिल बनाइए काबिल, और ऐसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कीजिए, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करवाइए कि आपका बच्चा कंपटीशन में, अब क्या है कि टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं कुछ लोग, टिकटॉकर बने हुए हैं, पता नहीं क्या कुछ बने हुए हैं, मगर वो क्या है कि वो एथिकल काम नहीं कर रहे। बहुत से लोग एथिकल काम करके अगर अर्निंग करते हैं तो इससे बड़ा सरमाया कुछ नहीं है। नहीं, ये तो अभी उदाहरण ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये तो अभी मामला समझ में ही नहीं आया जिसकी अभी आपने निशानदेही की है, अभी तो बुनियादी चीज़ों से बहुत दूर हैं। जैसे अभी आपने कहा कि पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जिससे रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, हम लोग तो उससे बहुत दूर हैं। हम तो बल्कि करियर आए हैं कि माशाल्लाह भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ तकलीफ दे रहे हैं, इस किस्म की फजूल चीज़ों को जो सोशल मीडिया के ऊपर है उसके ऊपर बाकायदा प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जो सैटेलाइट टीवी चैनल हैं। अब सर धुनिए जाकर कि सैटेलाइट टीवी चैनल बैठकर इस किस्म के फजूल नौयत के चंद, एक मैंने टीवी चैनल के ऊपर चंद नहीं, एक ही कोई गालिबन चैनल है, तो उनके ऊपर बाकायदा इसके ऊपर प्रोग्राम किए जा रहे हैं कि जिस किस्म के टिकटॉक लोग बनाते हैं, इंस्टाग्राम उनको बिठाकर बाकायदा उनको ऐसे सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया। सर जब शऊर ही पैदा नहीं होगा, हमें ये पता नहीं है सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फिर भी रिस्पॉन्सिबल है, कम से कम एक कंट्रोलिंग बॉडी के अंडर में आता है ना जी। ये जो ब्रॉडकास्ट हाउस है हर किसी के हाथ में ये नारियल आ गया है, जिसमें वो कौन सी दुनिया की चीज नहीं है जो इसके अंदर ना हो। आप बैठ के ब्रॉडकास्ट हाउस बन गए, आपको पता ही नहीं कौन सा कॉन्टेंट शेयर करना है नहीं करना है, आपको कुछ जब शऊर ही नहीं है। हमें अच्छे बुरे की तमीज ही से दूर कर दिया गया है, यानी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे अंदर वही शऊर पे ही बात आ गई, वही टेक्स्ट बुक की प्रिंटिंग पे बात आ गई कि बात ये है कि जब हम कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन नहीं लेंगे, अपनी नस्लों को बाशऊर नहीं बनाएंगे, इज्जत करना नहीं सिखाएंगे, समझना नहीं सिखाएंगे, अब तो हम समझ, फिर वही बात है कि हम कर कोई और रहा है। ठीक है, वही जो आपने थोड़ी देर पहले ऑफलाइन बात कर रहे थे कि जी ठेले वाले पार्किंग कैसे कर रहे, सर चाहेंगे होटल, जहां पठान का होटल होगा वो रोड पे कुर्सियां लगा देता है, आपकी शॉप छोटी सी है, कुर्सियां रोड पे लगी हुई हैं और लोग वहां बैठ के, भाई उनको चाहिए डिसिप्लिन, वो होता है जो अंदर से हो। अगर ट्रैफिक पुलिस वाले 4 खड़े हुए सिग्नल के ऊपर, वो डंडे के जोर पे हमें रोक रहे हैं तो हम रुक रहे हैं, जब वो नहीं है, बत्ती लाल है तो हम सिग्नल तोड़ गए। जो डिसिप्लिन अंदर से पैदा होता है उससे बड़ा डिसिप्लिन नहीं होता। उन लोगों को चाहिए जो जाएगा चुस्कियां लेते हैं बैठ के रोड पर, उनको चाहिए कि दिस इज नॉट सेफ फॉर अस, ये हमारे लिए सेफ भी नहीं है और ये हमें चाहिए भी नहीं, हम रोड ब्लॉक कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, वो शऊर अंदर से पैदा होता है सर। हम ऐसी बाशऊर, अल्हम्दुलिल्लाह आप कहते हैं माशाल्लाह कहते हैं ऐसी बातों पर, कि हम ऐसी कौम बन गए, हमें अंधे हैं। खुदारा खुदा के लिए आप सुनने वालों, आपको चाहिए कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, जब आपको अच्छे और बुरे की तमीज नहीं है तो आप दूसरों से ये तवक्कुआत करते हैं कि दूसरे आपका हक आपको अदा करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आप दूसरों की क्या इज्जत करते हो। रिस्पेक्ट जो देना सीखें, रिस्पेक्ट मिलेगी,
रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट सिर्फ जानदार चीजों की नहीं होती है, बेजान चीजों की भी होती है, थिंग्स की भी होती है। बिल्कुल ऐसा ही। ये बिल्कुल एक, मैं इस पे आप प्रोग्राम करें, मैं आपको पूरा एक सिर्फ रिस्पेक्ट पे प्रोग्राम करके बताता हूँ। बात यह है कि हमें अपने पाकिस्तान को अगर जन्नत बनाना है, हमें सियासतदानों को, अमरीका को, दूसरों को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। हमें देखना हम क्या कर रहे हैं, क्या आपसे आके वो करा रहे हैं। हम एक, हमारा नफ्स खत्म हो गया है, हम लोग यानी कि यहाँ से बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल हमें कोई पता नहीं। फिर हम कहते हैं अपने बच्चे बैठे हमारे साथ, हम जो है किसी से बैठ के बुलिंग कर रहे होते हैं, वहां हम जबरदस्ती जो है ना दौस जबा रहे होते हैं कि जी मैं जो है ना अगर अकड़ के बात करूंगा, आपका वो बच्चा, आपकी वो नई नस्ल आपको देख रहा है, आपके बिहेवियर को देख रहा है, वो कैसे नहीं कल बुलिंग करना सीखेगा, वो कैसे नहीं शाउटिंग करना सीखेगा, वो कैसे नहीं तड़ीबाजी लगाएगा, आप क्या करते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है, हम अंधे हो गए, हमें पता नहीं है। सॉरी, माजरत के साथ आपसे सबसे तो कि ये वो तल्ख हकीकत है। हम सिर्फ किताबों में ये लिखा है, झूठ लिखा, बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल लिखा है, तो क्या हमने रट्टा लगाना है? हमें हकीकत से माला माल हो। मैं तो उस सर की बात को फिर ये कहता हूँ कि हमारे पास दुनिया के बेहतरीन वसाइल हैं, इतने मादनियात हैं कि हमें, हम अपने मादनियात बेच के बैठ गए। हमारे बेजमीर सियासतदान, में कहूंगा सीधे सीधे बात, अपना मतलब के वो सिर्फ, वो मैं पीपी कहता हूँ, पावर पैसा गेम चल रही होती है, पावर पैसा प्रोग्राम के अलावा कोई नहीं है। कोई पैसे से पावर में आना चाहता है पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिक्स से अच्छी इंडस्ट्री नहीं है। नहीं। कोई पावर से पैसा कमाना चाहता है, ठीक है, क्योंकि यही वो भरमबाजी है कि कोई आपको इदारा आके तंग नहीं करेगा, वरना आप थोड़े कामयाब हो किसी कारोबार में, आपको तंग करने वाले बहुत आ जाएंगे। कामयाब ना भी हो, आप थोड़े से भी कामयाब हो, यहाँ तो सारी पावर पैसा गेम चल रही है सर। बिल्कुल ऐसा ही, आपने बिल्कुल सही मंजरकशी की है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है अनवर भाई, अख्तर भाई ने निशानदेही की है। ज्यादा हमारी राय मुख्तलिफ नहीं है, इनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। ना इखलाकियात नजर आती है, ना ये शऊर नजर आता है, बड़ी बेईमानी सी बातें हैं। बिठाकर अब तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम छोड़ दिया है कि लोगों को बिठा के समझाया जाए, अब तो पानी सर से ऊपर हो गया। तो ये जब चीज़ें नहीं थीं, अगर काशी अपने वक्त पर होती, ये बात समझ में आ जाती। अभी भी तो वक्त निकाल कर सारा सारा दिन बैठ के टिकटॉक देख रहे होते हैं, ऊपर ऊपर कर रहे होते हैं उसको, तो कोई काम की बात समझाई जा रही है? बहुत सारे तो अभी चैनल बंद करके भाग गए होंगे और दफ्तर, उन्होंने कहा यार छोड़ो, सुबह सुबह के वक्त जो है वो इतनी सख्त बातें जो हो रही हैं, ये तो रोज़ाना बैठा बैठ कर जो आईना दिखा रहे होते हैं। लेकिन क्या करें, लगे हैं। अख्तर भाई ने एक दफ़ा कहा था कि आप अपने हिस्से का काम करते रहिए, वो शिकवा जुल्मत है, शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की कोई शमा जलाते, तो हम वही शमा जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब नहीं होंगे। फरमाइए जी। बिल्कुल यासर भाई, आप सही कहते हैं कि, और अख्तर भाई ने भी जो बात की कि हम अपने हिस्से का जो है, अपने अपनी अपना जो हिस्सा है वो डालें, और अपने हिस्से का जो काम है ना वो हमें करना चाहिए। और अगर हर शख्स की अगर सोच ऐसी हो जाए कि हमें अपने हिस्से का काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी अंदर एक एस्टेब्लिश होगी एक ऐसी हैबिट कि अगर हमें कोई देख नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा, तो हम सारे वो काम करते हैं जो समाजी तौर पर अच्छे नहीं हैं। और अगर हमें कहीं किसी जगह पे रोक टोक या पूछ है तो फिर हम वो उस पर फॉरबिड हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हम रुक जाते हैं कि ये वाले काम गलत हैं, हम नहीं करते। तो इसीलिए वो इस चीज़ को सामने रख के हमारे लिए कहा जाता है, हमारी नेशन के लिए कहा जाता है कि ये डंडे की कौम है, इसलिए कि जब डंडा दिखाओगे तो सीधी होगी, गधे का रेवड़ होता है, रेवड़े भी ऐसे ही चलता है कि उसको एक 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 कुत्ता कंट्रोल करता है, कि सैकड़ों भीड़ों को एक कुत्ता कंट्रोल करता है। तो इसी तरह जो है वो कंट्रोल के लिए भी हमें ऐसे लोग चाहिए होते हैं कि जो जिनका बैकग्राउंड जो है ना वो क्रिमिनल हो। शरीफ आदमी कंट्रोल भी नहीं कर सकता, तो फिर वो आप देख ले अभी जो हम अपने ऊपर देखते जाएं, हमारे पास इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप में शायद ही आपका कोई ऐसा बंदा हो जिसके ऊपर FIR ना हो। अगर अभी ये सिचुएशन ये आ गई है कि जिसके ऊपर FIR होती है वो ही समझा जाता है कि ही इज अ गुड मैन फॉर पॉलिटिक्स, ही इज अ गुड मैन फॉर अ लीडरशिप। इसके और ये क्या बंदा है जिसके ऊपर ना कोई FIR है, ना जिसके आगे पीछे चार छोटी ना हो, कोई साइकिल हाँ बड़ी 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 हाँ बड़ा काम छोटी नहीं बड़ी बड़े बड़े हो, वो बेशक 50 रुपए की
कार्रवाई 50 रुपए की हो मगर काम बड़ा हो, अरबों खरबों का होना चाहिए। तो ये हमें ये देखना चाहिए, हमें नहसल कौम, हमें ये चीज देखनी चाहिए कि हम जो हैं जो गलत सिमत पे जा रहे हैं, लबोलुभाव ये है कि इस गलत सिमत में जाने के हम खुद जिम्मेदार हैं, हमें खुद को अपने आप को सही करना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जनाब अनवर खुर्शीद साहब, मौजूद मेहमान अख्तर हरानी साहब, दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। सुबह के वक्त उन्होंने वक्त निकाल कर हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत की और बड़ी सख्त बातें की, यकीन बहुत सारे लोगों को बल्कि सबको ही नागवार गुजरी होंगी, क्योंकि ये सच है, सच्चाई का सामना इतना आसान काम नहीं है। तो वो जो बात अभी तरबियत की हो रही थी वो तरबियत में शामिल नहीं है कि अगर कोई सामने सच्ची बात करेगा तो उसको जो है वो फिर मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा जाएगा। जो सोशल मीडिया पे काम चालू है, देख रहे हैं सब, और यही सिलसिला चलता रहेगा। बहरहाल हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात होती रहेगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बात शायद समझ में हमारी आ ही जाए, तो सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक की तरफ जाना होगा, ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है वो जारी रहेगा। देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।